बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं हूं ताहिर महमूद और आज आपसे शेयर करूंगा मैं अचार गोश्त मसाला। तमाम साबुत और खरे मसालों को मिक्स करके एक ज़बरदस्त और खुशबूदार किस्म का अचार गोश्त मसाला ग्राइंड करके तैयार करेंगे। वैसे कमर्शियली हम ये 5 किलो के करीब मसाला तैयार करेंगे और आपकी आसानी के लिए स्क्रीन पर केजी के आगे हम ग्राम में भी मैंशन कर देंगे। तमाम मसालों का वेट आप ग्राम के हिसाब से बनाएँगे तो आपका मसाला हाफ केजी तक बनेगा। इसके अलावा हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी हाफ केजी की रेसिपी मेंशन कर देंगे। वेज मसाला जात की ये रेसिपी है, वाहिद भाई बनाएंगे और मज़ेदार खालिस खुशबूदार मसाला आपके साथ भी शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल वाहिद है। हमने पिज्जा आपके साथ मछली मसाला और मिक्स सालन मसाला शेयर किया था। आज हम इंशाल्लाह आपके साथ अचार गोश्त मसाला शेयर करेगा जिसमें हमने सारा साबुत मसाले ग्राइंड किए हुए और अच्छा जायका और अच्छा खुशबू आएगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले धनिया शामिल कर देंगे, साबुत धनिया। कितना है ये वाहिद भाई, कितना डालेंगे? 1.5 किलो ना, तो 1.5 किलो हम धनिया डालेंगे। तो ये 1.5 किलो हमने धनिया शामिल कर दिया, सूखा धनिया, और कांटे को रीसेट कर देंगे 0 पे ताकि दूसरा जो मसाला हम शामिल करें तो उसकी सही मेजरमेंट हमें मिले। सौंफ शामिल कर देंगे। सौंफ कितना शामिल होगा भाई? 1 किलो। 1 किलो, तो 1 किलो हम सौंफ शामिल कर देंगे। तो 1 किलो हमने सौंफ शामिल करके कांटा दोबारा रीसेट कर दिया, 0 पे कर दिया। राई दाना शामिल कर देंगे। वहीद भाई ये कितना? ये 1 किलो। 1 किलो राई दाना ना जी। तो 1 किलो राई दाना भी शामिल कर दिया हमने। मेथी दाना शामिल कर देंगे। कितना शामिल करेंगे? 1 किलो। एक किलो हमने मेथी दाना शामिल कर दिया है। हल्दी शामिल कर देंगे हाफ के जी, 500 ग्राम। कांटे को रीसेट कर देंगे। टाटरी शामिल कर देंगे 100 ग्राम। कितनी? 100 ग्राम शामिल करेंगे। ये खटास के लिए शामिल करेंगे। गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। ये मिक्स साबुत गरम मसाला जो होता है उसको ग्राइंड करके बनाया गया है, जिसमें काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, जायफल, जावित्री, बड़ी इलायची, बादियान के फूल, ज़ीरा, तमाम चीज़ें जो गरम मसाले में होती हैं उनको ग्राइंड करके ये एक मसाला बनाया गया है। ये पाउडर मसाला है। तो ये हमने 100 ग्राम शामिल कर दिया है। तो हमने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया। अगर आप चाहें तो साबुत गरम मसाला भी इसमें डाल के ग्राइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास पिसा हुआ था इसलिए हमने पिसा हुआ डाल दिया। अभी देसी लहसुन शामिल कर देंगे। कितना? 1 पाव। 1 पाव हमने लहसुन शामिल कर देंगे यहाँ पे, 250 ग्राम। तो अभी हम इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो वाहिद भाई, इसको मिक्स करने के बाद भी इसमें कोई चीज़ शामिल होगी? जी, बाद में एक चीज़ शामिल करेंगे, कटर मिर्च इसमें शामिल करेंगे। कटर मिर्च जी। तो इसको ग्राइंड करने के बाद, दड़दड़ा सा कटर करने के बाद फिर हम इसमें चिली फ्लेक भी शामिल करेंगे। तो नमक इसमें भी आपने शामिल नहीं किया? नहीं, नमक नहीं शामिल किया। नमक अगर हम यहाँ से भी करेंगे तो फिर नमक डबल हो जाएगा। वैसे भी लोग हसबे जायका खाते हैं, कोई खाते हैं नमक कम, खाते हैं ज़्यादा, खाते हैं वो फिर अपने हिसाब से। वाहिद भाई का कहना है कि डाल लेते हैं घरों में लोग। तो यहाँ हमने मसाला मिक्स कर दिया, अभी हम इसको ग्राइंड करेंगे और बिल्कुल फाइन या बारीक नहीं करेंगे इसको, बस इसको कटर करेंगे दड़दड़ा सा।
तो यहाँ पे हमने पहला जो परागा था, पहली शिपमेंट हमने ग्रैंड कर ली है और यहाँ देख सकते हैं ये बिल्कुल फाइन नहीं है, कटर सा है, दड़दड़ा सा किया हुआ है हमने। ये बिल्कुल कटर है, दानेदार है, मोटा ग्रैंड किया हमने। तो इसी तरह हम अपना बैलेंस मसाला भी ग्रैंड कर लेंगे, यानी कटर कर लेंगे। तो मसाला हमारा तमाम ग्रैंड हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कटर है, दानेदार है और ये बिल्कुल फाइन नहीं है, कटर किया हुआ है दड़दड़ा सा। तो यहाँ अभी हम इसमें चिली फ्लेक शामिल करेंगे, कटर मिर्च कितनी शामिल होगी? ये एक पाव, एक पाव 250 ग्राम हम इसमें चिली फ्लेक शामिल करेंगे, कटर मिर्च। तो ये 250 ग्राम हमने चिली फ्लेक शामिल कर दी है। अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि जो सबसे पहले हमने धनिया का वेट किया था तो वो सबसे नीचे थी, तो अभी हमने जो जब ग्राइंड किया है धनिया को तो वो जो है ऊपर आ चुकी है। तो अभी हम तमाम मसालों को मिक्स करेंगे ताकि इनका जो जायका है, टेस्ट है, एक जैसा हो जाए, अच्छी तरह से मसाले मिक्स हो जाएँ। तो यहाँ पे हमारा जो मसाला है अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो वाहिद भाई, अभी ये हम किस किस डिश में डाल सकते हैं? ये आप अचार गोश्त में भी डाल सकते हैं, चिकन अचार में भी डाल सकते हैं, अगर आप कोई घर पे अपना अचार बनाना चाहे तो उसमें भी डाल सकते हैं। अच्छा, जैसे अभी सर्दियों के दिन है, मिक्स सब्ज़ी भी है, अगर अचार अगर कोई डालना चाहे तो ये अचार में भी डाल सकते हैं। बीफ अचार गोश्त हो, मटन अचार गोश्त हो, चिकन अचारी हो, जी जी सब में डाल सकते हैं। ये चार गोश्त मसाला क्या प्राइस है इसकी सेलिंग? 120 रुपये पाव, 120 रुपये एट द रेट ऑफ 250 ग्राम। तो ये एक किलो के हिसाब से अगर कोई चिकन अचार गोश्त या मटन बीफ अचार गोश्त बनाता है तो एक किलो में ये कितनी चम्मच जाएंगी खाने वाले? एक किलो में तकरीबन तीन चम्मच डालने का, तीन टेबल स्पून जो होती हैं, तीन खाने के चम्मच। तो नाजरीन, एक किलो अगर आप बनाएँ घर पर अचार गोश्त, चिकन अचारी, मटन अचार गोश्त, तो एक किलो के हिसाब से अगर आप बनाएं तो उसमें तीन खाने के चम्मच ये डालें और नमक आपको एक्स्ट्रा हसब ज़ायका शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि नमक हमने यहाँ इसमें नहीं शामिल किया। तो अभी हम इसको ट्रांसपेरेंट बैग में पैक कर देंगे। अभी ये जितना भी ठंडा होगा तो इसका खुशबू और आएगा, गर्म है ना, मशीन से गर्म गर्म होगा, जितना भी ये ठंडा होगा तो बहुत आगे।